हाँ जी, द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। कोई भी ड्रग का उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, वो ड्रग कैसे एक्ट करती है, क्या उसका प्रोसीजर है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है, वो ए ड्रग मे प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ द नंबर्स, इफेक्ट बाय नंबर मैकेनिज्म लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ विद एंजाइम्स सेल मेम्ब्रेन और द अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वो यानी कोई ड्रग जब हम लोग ड्रग किसी को देते हैं उसका क्या नंबर ऑफ मैकेनिज्म क्या है, लाइक उसके कितने एंजाइमा सेल मेम्ब्रेन्स है कंपोनेंट्स ऑफ सेल से कैसे रिएक्ट करती है वो, उसके बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसमें क्या होता है, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर की है, रिसेप्टर ये हाइपोथेटिकल कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ द सेल्स विद विथ ड्रग इंट्रैक्ट, जिसके साथ ड्रग इंट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। इसके इधर सेप्टर मे बी ऑन द सेल मेम्ब्रेन लाइक इनसाइड द सेल्स, इट मे बी प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर में टाइप्स आ जाए एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट में ड्रग, एगोनिस्ट इज ए ड्रग विच कंबाइन विद द रिसेप्टर एज इनिशिएट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। एगोनिस्ट क्या है, वो ड्रग होती है जो रिसेप्टर के साथ कंबाइन होती है और उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है ड्रग के ऊपर, उसके एगोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट क्या है, इसको एंटी होता है, उल्टा होता है। एंटागोनिस्ट ड्रग विच कंबाइन विद द रिसेप्टर एज ब्लॉक्स, उसको कंबाइन रिसेप्टर के साथ कंबाइन होती है और उसको ब्लॉक करती है विदाउट द प्रोड्यूसिंग ए फार्माकोलॉजिकल एक्शन, किसी फार्माकोलॉजिकल एक्शन के विदाउट, बिना उसको हो जो जो उसका रिएक्शन है उसको ब्लॉक कर देती है, रिएक्शन को रोक देती है, ठीक है ना। नाउ विद द साइड्स ऑफ ड्रग रिएक्शंस, ड्रग रिएक्शन में क्या होता है, ड्रग्स में प्रोड्यूस लोकलाइज्ड इफेक्ट ऑफ द सर्टन सेल्स टिश्यू के ऑर्गन्स होते हैं। सो इसमें क्या होता है, सेल टिश्यू ऑर्गन जनरलाइज इफेक्ट ऑफ द मोस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ड्रग्स में भी एक्ट करती है एक्स्ट्रा सेलुलरी, एक्स्ट्रा सेलुलरी में ऑस्मोटिक डाइटेटिक्स एग्जाम्पल होती हैं, सेल सर्फेस पेंसिलिन होती है, इंट्रा सेलर एंटी कैंसर ड्रग्स होती है। ड्रग्स कैन प्रोड्यूस करती हैं दियर इफेक्ट बाय फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नाउ द ड्रग्स कैन बी एक्ट बाय द मॉडिफाइंग एंजाइम एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा सेलुलर इफेक्ट क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक फिजिकल मॉस, फिजिकल मॉस होता है, अब्जॉर्प्शन होती है, फिजिकल मॉस में एगर होती है, ठीक है। एगर कैसे प्रोड्यूस करती है, प्रगेटिव या इफेक्ट करती है बिकॉज स्वेलिंग और प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड उसके पार्टिकल का साइज है जो इंक्रीज इन साइज, अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन होती है, ऑस्मोसिस होता है। नाउ डिमल्सेंट इफेक्ट होता है इसका, डिमल्सेंट इफेक्ट हो गया है, डिमल्सेंट इफेक्ट में क्या होता है, लिक्विड पैराफिन ये प्रोड्यूस करती है स्मूथ कोटिंग ओवर द ल्यूमन इन द इंटेस्टाइन के बीच, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रगेटिव एक्शन। सो नाउ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्ज फॉर एग्जाम्पल हेपैरिन, हेपैरिन के एंटीकोगुलेंट ड्रग्स प्रोड्यूस करती है एंटीकोगुलेंट, हेपैरिन की एंटीकोगुलेंट ड्रग्स प्रोड्यूस करती है इफेक्टिव बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्जेस होता है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। एंड दे कैन प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ द मिटिंग आइसोनाइजिंग रेडिएशन को मिट करते हैं वो। सेकेंड इज एक्शन थ्रू द केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एसिडिटी होती है, अल्कलाइन होती है। एसिडिटी में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, HCl आ गया, HCl की है इफेक्टिव करता है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्लोरिडिया। एंड सोडियम बाइक्लोरेट भी एक्ट करता है एंटी एसिड एंड न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर द स्टमक। सेकेंड ये चिलेशन, चिलेशन चिलेटिंग एक्ट जिन होता है डाइमेकाप्रोल से, डाइमेकाप्रोल ये कंबाइन करती है मेटल लाइक आर्सेनिक, आर्सेनिक एंड द फॉर्म ऑफ द सोलबल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। सोलबल कॉम्प्लेक्सेस बनने के बाद इस, ठीक है, ये इजिली एलिमिनेशन हो जाती है मेटल थ्रू द यूरिन। सेल सर्फेस नाउ एक्शन, सेल सर्फेस के बीच इसमें पेंसिलिन होती है, पेंसिलिन एक्ट कर दिन हिटिंग एजेंट्स वॉल सेंसेस लाइक सेंसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्शन इन साइड सेल एक्शन होता है। सो सम ड्रग्स लाई एंटर इन टू सेल्स एंड प्रोड्यूस दियर इफेक्ट वाइज एक्टिंग इंटर सेलुलर सर्फेसिस। एंटी कैंसर ड्रग्स प्रोड्यूस करती है इफेक्ट ऑफ द इनहिबिटिंग न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इन साइड द सेल्स।
ऐसी तरह ही एक्शन करते हैं एंजाइम से, जो एंजाइम से एक्शन होता है उसमें ड्रग प्रोड्यूस होती है, फैक्टर ऑफ मॉडिफाइड एंजाइम एक्टिविटीज होती है, लाइक एग्जांपल ले लो एंटी कोलिनेस्टेज होते हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर, कौन से फैक्टर होते हैं, फैक्टर मॉडिफाइंग द ड्रग फैक्टर, ठीक है, फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग फैक्टर। इसमें क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर जिन्हें इफेक्ट करते हैं, फर्स्ट एज आती है, एज में क्या होता है, एज में चिल्ड्रन आर हाइपर एक्टिव सर्टेन ड्रग्स होते हैं, चिल्ड्रंस आर हाइपर रिएक्टिव सर्टेन ड्रग्स, सो इसमें चिल्ड्रन क्लार्क फॉर्मूला आ जाता है। सो इसमें केमिकल अलग अलग के फॉर्मूले होते हैं, लाइक केमिकल एंटागोनिज्म होता है, कॉम्पिटिटिव केमिकल एंटागोनिज्म, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंटागोनिज्म, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, एंड उसके अलावा उसके फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म होते हैं। जैसे केमिकल केमिकल एंटागोनिज्म में दो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन के बीच दो रिएक्शन आते हैं, लाइक बी एल को क्या बोलते हैं, डाइमेक्रो इन द आर्सेनिक पॉइजनिंग। सो इन नेक्स्ट नाउ कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंटागोनिज्म, कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल एंटागोनिज्म में क्या होता है, ये जिस रिसेप्टर्स अगर करें ड्यू टू कॉम्पिटेटिव बिटवीन द टू ड्रग्स इन द सेम रिसेप्टर, मतलब टू डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स ले ली उसको एक रिसेप्टर के साथ, सेम रिसेप्टर के साथ उसको रिएक्ट किया, सो दी ड्रग्स की ग्रेटर इन कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, कंसनट्रेशन ग्रेटर होगी इन द रिसेप्टर प्रोड्यूस करने इन द फैक्टर, लाइक फॉर एग्जाम्पल एंटागोनिज्म इन एसिटाइलकोलाइन वाई एट्रोपिन, थ्रू एट्रोपिन स्कैरियन रिसेप्टर, इससे नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म होते हैं, इसमें इनएक्टिवेशन होती है रिसेप्टर से, सो इसमें क्या होता है एसिटाइलकोलाइन रिएक्ट कर जैसे डाई कैम्थोरियम वाई द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म होते हैं ड्रग्स जो एंटागोनिज्म रिएक्ट करते हैं डिफरेंट रिसेप्टर्स, उसका अपोजिट रिएक्शन आता है, उसके उल्टा रिएक्शन अपोजिट इफेक्ट पड़ता है उसका, ऐसे क्या फॉर एग्जाम्पल एड्रिनलिन इन हिस्टामिन एनाफिलैक्सिस। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाएगा आपका ड्रग टॉक्सिसिटी, ड्रग टॉक्सिसिटी क्या होती है, सो इसमें ड्रग टॉक्सिसिटी में होता है ड्रग्स कैन प्रोड्यूस टॉक्सिस इफेक्ट, जो ड्रग्स का टॉक्सिस जहरीला इफेक्ट होता है, टॉक्सिस इफेक्ट इन द एडिशन इन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सो नो ड्रग्स कैन फ्री फ्रॉम द टॉक्सिस इफेक्ट, सो कोई हर एक ड्रग का कोई ना कोई टॉक्सिस इफेक्ट बिल्कुल होगा, उससे कि नो इन ड्रग बी फ्रॉम द टॉक्सिस इफेक्ट। वे सम ड्रग्स होती हैं जैसे कि टॉक्सिस इफेक्ट मे बी माइनर, टॉक्सिसिटी माइनर, वेयर एज दे मे बी सीरियस विद अ सर्टन अदर ड्रग्स के सर्टन होती हैं। तो इसमें टॉक्सिसिटी के लिए मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, थेरेप्टिक इंडेक्स होता है, थेरेप्टिक इंडेक्स में क्या होता है, थेरेप्टिक इंडेक्स डिफाइंड है द रेशियो ऑफ मीडियम लीथल डोज, मीडियम लीथल डोज मीडियम इफेक्टिव डोज, थेरेप्टिक इंडेक्स मीडियम लीथल डोज 50, इसके ऊपर लिखे मीडियम इफेक्टिव डोज, मीडियम लीथल डोज मीडियम इफेक्टिव डोज। मीडियम लीथल डोज में क्या होता है, डोज जो किल करती है हाफ ऑफ द पॉपुलेशन होते हैं एनिमल टेस्टेड, सो जो भी एनिमल टेस्टिंग के लिए केमिकल्स होते हैं एनिमल, मीडियम लीथल डोज इज द डोज विच किल हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन द एनिमल टेस्टिंग। मीडियम जो इफेक्टिव डोज होती है, इफेक्टिव डोज क्या होती है, मीडियम इफेक्टिव डोज के डोज विच कैन प्रोड्यूस द डिजायर रिस्पॉन्स इन द हाफ ऑफ द एनिमल प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिंग। सो दीजिए इसमें थेरेप्टिक दीज टॉक्सिसिटी के बीच जो भी दीज इफेक्ट्स है, दीज इफेक्ट्स कैन प्रोड्यूस द डिफरेंट आइडियाज होते हैं। सो इसमें क्या है, ड्रग टॉक्सिसिटीज में वो इसके वेरियस फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स में क्या होते हैं, जैसे इंटॉलरेंस होती है, इंटॉलरेंस ऑफ द ड्रग्स, टॉक्सिक ड्रग्स, ब्लड डिस्क्रिमिनेंस, हेपेटोटॉक्सिसिटी। हेपेटोटॉक्सिसिटी मोस्ट कॉमन ड्रग है, इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन ड्रग्स ये कंसंट्रेट करते हैं लिवर में, हेपेटो मीन्स वर्ड ऑफ द लिवर इन द हेपेटोटॉक्सिसिटी मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेटेड इन द लिवर, हेंस द डैमेज ऑफ दिस ऑर्गन इन द कॉमन
is damage of this organ in a common form the toxicity. Most of the halogenated hydrocarbons are hepatotoxic drugs के बीच होती है. Nephrotoxicity होती है, इसमें क्या होता है, nephrotoxic में लाइक drugs लाइक sulfonamides प्रोड्यूस करते हैं डैमेज टू द किडनी फॉर्म ऑफ द क्रिस्टेलोजूरिया एल्विनोजूरिया हेमाटोजूरिया. बिहेवियर टॉक्सिसिटी होती है, इसमें क्या होता है, एनी एट अ टाइम जो ड्रग्स की नॉर्मल बिहेवियर होता है लाइक फॉर एग्जाम्पल एट्रोपिन प्रोड्यूस इफोरिया एक्साइटेशन मेनिया ये टॉक्सिक ड्रग्स रिएक्शन होते हैं. ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल पार्किंसन डिजीज होगी, ठीक है ना. अनमास्किंग डिजीज क्या होते हैं, ये एग्रीगेट करती हैं एग्रीगेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज और अनमास्क द लेटेंट डिजीज. फॉर एग्जांपल आइसोनियाज़िड, ठीक है ना, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस होती है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्टर्बेंस होती है. इसके अलावा इसमें इंडिकेशन क्या होता है, इंडिकेशन ऑफ इसमें बायोएसए आता है. इंडिकेशन ऑफ बायोएसए when the chemical composition is known, किसी any drug which can be not about the chemical composition, so the in indication होते हैं वायरसे के. when chemical ऐसे method not available in the insensitive, when the quantity of the small, ठीक है ना, when there is a different chemical composition about the same pharmacological. कुछ की ड्रग इदा नहीं होंगे जिन्हें केमिकल रिएक्शन कंपोजिशन अलग अलग होंगे, बट उन्हें रिएक्शन फार्माकोलॉजिकल रिएक्शन होता है, वो सेम होता है अदर ड्रग्स के साथ, ठीक है. ऐसे इसके मेथड्स आते हैं बायो ऐसे की मैचिंग ऐसे होता है, इंटरपोलेशन होता है, फोर पॉइंट ऐसे होता है, इम्यूनो ऐसे होता है, ठीक है ना. मैचिंग ऐसे में क्या है, इसमें कॉन्स्टेंट डोज होती है, कॉन्स्टेंट डोज इन टेस्ट सैंपल इन द मैचिंग ऐसे कॉन्स्टेंट डोज इन द सैंपल कॉन्स्टेंट डोज ऑफ द टेस्ट सैंपल इज टेस्ट सैंपल ब्रैकेट बिटवीन द वेरीफाइंग डोज ऑफ द स्टैंडर्ड्स इन दिस डोज टिल द टेस्ट सैंपल इज मैच करता है विद द पार्टिकुलर डोज ऑफ स्टैंडर्ड. टेस्ट की होती डोज स्टैंडर्ड की डोज है, इसकी जो डोज आप टेस्ट की स्टैंडर्ड के पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के साथ मैच होती है, ठीक है ना. इंटरपोलेशन में क्या होता है, डोज रिस्पॉन्सिव होती है, डोज रिस्पॉन्सिव कर्व होती है, दिस इज प्लॉटेड डोज रिस्पॉन्सिव कर्व इज प्लॉटेड यूजिंग द मिनिमम ऑफ फोर सम मैक्सिमल कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड. सो दिस कंसंट्रेशन इज द टेस्ट इन द रीड इन द ग्राफ. ये ना आपको प्रैक्टिकल है, जो फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में भी आएंगे हम, प्रैक्टिकल में आपको ग्राफ चेक करवा देंगे. नाउ वी कैन फोर पॉइंट ऐसे होता है, फोर पॉइंट ऐसे में ये इनकॉर्पोरेट करते हैं प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेटिव मैचिंग मोस्ट एक्यूरेट मेथड है. इम्यूनो ऐसे होता है, इम्यूनो ऐसे में मेक इम्यूनोलॉजिकल मेथड होंगे रेडियो इम्यूनो ऐसे इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूजली स्पेशल फॉर इंसुलिन के लिए इसको यूज करते हैं. इम्यूनो ऐसे लाइक इम्यूनो ऐसे इम्यूनोलॉजिकल मेथड के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है. और मतलब रेडियो इम्यूनो ऐसे हो गया, रेडियो इम्यूनो ऐसे में क्या है, एग्जाम्पल इंसुलिन के थ्रू इसको चेक करते हैं. ओके, थैंक यू.